कोटा केटी कॉलेज के छात्र छात्राएं बस समस्या को लेकर पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर कॉलेज विद्यार्थी पहले भी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, मगर उनकी समस्या को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिसे नाराज सभी छात्र छात्राओं ने हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया और बस अड्डे के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। छात्रों का आरोप है कि वे लोग कई बार अपनी समस्या को लेकर उच्च अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। छात्रों ने चेतावनी दी, अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले 5 तारीख को रोष मार्च निकाला था, SDM को मांग पत्र दी कि हमारी जो समस्या है बस की वो हल किया जाए। उसके बावजूद हम मलेखा अधिकारी फतेहाबाद में मिले, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मंगलवार को बस चल जाएगी आपकी। उसके बावजूद बस नहीं चली। हमने 7 तारीख को अधिकारियों को चेतावनी दी कि हम बस स्टैंड का जो गेट बंद कर देंगे। हमने गेट बंद कर दिया। छात्रों की इतनी परेशानी होती है, अगर हम गेट बंद करके बैठे वहाँ के SHO आए, पुलिस वाले आए, जबरदस्ती जो हमें लोकतंत्र अधिकार है कि हम अपनी मांगों के लिए अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम गेट के आगे या धरना लगाकर बैठ सकते हैं। जबरदस्ती पुलिस वालों ने जबरदस्ती की, जो हमारे साथियों का गरवान तक पकड़ा, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की। और हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें रोड जाम क्यों ना करना पड़े, चाहे बस स्टैंड द्वारा जाम ना करना पड़े। बता दें, छात्र छात्राओं के इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के जिला सचिव पलविंद लाली को पुलिस ने हिरासत में लेना चाहा, मगर छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को पलविंद लाली को छोड़ना पड़ा। देखा जाए तो छात्रों की बस को लेकर मांग जायज है, अतः प्रशासन को जल्द ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि छात्रों को कॉलेज आने जाने में परेशानी न हो।